ना मानी कल हाथ मुंह में से करा सब जने के खेला खत्म हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जो आपने अभी वीडियो देखा उस स्थान पर फिर से मैं एक बार आ चुका हूं। दोस्तों, जौनपुर सिटी, उत्तर प्रदेश जौनपुर सिटी से लगभग काफ़ी दूरी पर मैं दोस्तों बिहार आ चुका हूं। जो अभी अभी वीडियो वायरल हुआ है, बहुत तेज़ी से फैला है दोस्तों, आप देख सकते हैं। उन्हीं के घर मैं पहुँच चुका हूँ जो वो भी सांपों को बचाते थे मेरी तरह से। दोस्तों, जितने भी भारत के सर्प मित्र हैं, मैं सभी को फिर से एक बार नमस्ते प्रणाम करता हूँ। और उन्हीं के साथ साथ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बिहार की सरजमी को प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की कामना करता हूं यहां के लोगों से। दोस्तों, यूपी और बिहार, जब भी कहीं नाम आता है कोई तो यूपी और बिहार का तो पहले आता है, बाकी तो हमारा पूरा परिवार है, देश है। तो आइए दोस्तों, उसी सिलसिले में आपको दिखाता हूँ कि घटना कैसे क्या हुई। एक छोटा सा परिवार और उस परिवार से निकलता हुआ एक सूरज की तरह एक सदस्य जो अपने घर के लिए रोशन करता था, घर के लिए गुलजार था, और आज वो इस दुनिया में नहीं है जैसा आपने वीडियो में वायरल देखा है। दोस्तों, सांपों के बचाने का जो सिलसिला है वो तो लोगों के बीच चल ही रहा है। आज मैं आपको उन परिवार से, उनसे रूबरू कराते हैं कि कैसे क्या स्थिति हुई। दोस्तों, एक पावन सा त्यौहार था रक्षाबंधन का, तो सारी घटनाओं से शायद आप रूबरू होंगे, वीडियो में आपने देखा ही होगा। दोस्तों, ये घटना है कल या परसों की। भाई, हम चलते हैं उनके घर, माता जी से मिलते हैं, कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ें आपके सामने हम फेस करते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं मैं उनके घर आ चुका हूँ। ये उन्हीं का घर है, ये सीतलपुर है दोस्तों, बिहार में सीतलपुर है ना सर, डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? सारण। जी माता जी प्रणाम, आइए आप बैठिए, माता जी को बैठाइए सर। नहीं, माता जी कुर्सी बैठाइए सर, माता जी आप बैठिए सर, आराम से बैठिए बैठिए, आप लोग थोड़ा इधर आ जाइए। तो कब से सांप पकड़ते थे माता जी? हो आप रोइए मत, एकदम घबराइए मत, तो जो होना था हो गया, बढ़िया से बोल गया। हाँ, तो ये गली 15 से तनी कम भइल होई। जी भाई, ऊपर भइल होई। हां, 15 साल हो गए। हां, अच्छा जी, तनी बेसी ही भइल होई। शादी हुई थी उनकी अभी? हां, शादी नहीं हुई थी। अच्छा, ये काम करते थे, उनके पिताजी हैं? अच्छा, पिताजी के 2.5 वर्ष हो गए। कितने दिन हो गए उनको गुजरे हुए? के कर उनके पिताजी को 2.5 साल हुई है इसके पहले। हाँ। और इनकी उम्र 24 साल थी। हाँ। और वो भी सांप पकड़ते थे। अच्छा, सांप पकड़ने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते थे। हाँ। ये सांप को कैसे पकड़ने लगे? वो बचपन से सीख ले रहे। अच्छा, बचपन से सीख ले रहे सांप पकड़ते थे। और कोई काम करते थे वो? बिजली के। अच्छा, इलेक्ट्रिक काम करते थे? पहले अथी में रहत रह, फीटर उटर ओल्डर ओल्डर। जी पहले वो में रहत रह, उन्हें सीख ले रहा। अच्छा जी, जी। फिर घरे अलन, तब घरे छोटा मोटा पकड़ते पकड़ते बड़का पकड़े लगल। इसके पहले भी उनको सांप कभी काटा था? वो कहा काट ले, नानपुर अथी में कटले रहे, पैखाना में 3 गो सांप निकल रहे। अच्छा, तो बचाव में करईटा अथी काट ले रहे गहुमन। तो फिर जान जाए कि चीना के घर में गौर हमन, उनका बेटा पतो सुतर खटिया पर चढ़ गए, तो बेटा पतो को बचा में ओकरा के काट ले रहे 12 बजे रात खानी। तो वो मने कौन दे उनका के कतना हाली कट ले बा। अच्छा, इसके पहले मतलब बहुत बार उनको सांप काटा? हां, बहुत ये पर नु ऊपर अथी बैठा के सांप पर। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं यहीं पर वो प्लेस है जहां पर सांप को निकाल करके, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, वायरल वीडियो है, मतलब इस काम को लगभग 15 सालों से लगातार करते रहे। तो यहां उनको कौन कह दिया सांप निकालने के लिए? यहां सांप निकालने के लिए कौन कहा? रक्षा बंधन, ये जरा राखी बनाया। अच्छा, तू अपना शौक से कहलन
कि हमारा जात लन गांखा बहन के राखी बना तो कहलन कि हे जे धराइल जननी तो कहलन कि हमारा के पहले रखे ना हमरा सांप के राखी बांध सांप के राखी बन्हा गए रहे कुछ ना भ दोनों के राखी बन्हा दोनों बहिनिया बांध देली दोनों बहिनिया बांध देली हनु आ ओकरा बाद में क अथि सांपवा हाथवा में लेके देखत एने लोग घेर ले रहे पूछ लेम कोई से उस सांप को से ना कैसे आके ऑप्शन में कितने भाई थे वो अच्छा तीन भाई तीन बहन तो दोस्तों ये जो है तीन भाई थे और तीन बहन थे उनका नाम था मनमोहन उर्फ भूमर जी जो सांपों को बचाने के लिए काफी दूर दूर तक जाते थे और दोस्तों सांपों को बचाते नहीं बचाते सांपों के जीवन को सेव करते करते सांपों का संरक्षण करते करते आज खुद अपने जीवन को उन्हीं के हवाले कर दिए। तो दोस्तों सांपों को मैं भी बचाता हूँ। वीडियो बनाने का एक मकसद रहता है लोगों को जागरूक करना, सांपों को इंसानों से और इंसानों को सांपों से बचाने का हमारा एक काम है। तो दोस्तों उस घर पर मैं पहुँच चुका हूँ, मुझे महसूस होता है, मुझे भी पता है कि जिसके घर मौत होती है या सांप बाइट करता है तो क्या स्थितियाँ होती होंगी। दोस्तों हर वीडियो से मुझे सीख मिलती है, हर वीडियो से आपको भी सीख लेना चाहिए कब कैसे और क्या हो जाए और पता नहीं कब ज़िंदगी की आखिरी शाम हो जाए। इसीलिए कहते हैं दोस्तों वीडियो को खूब देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों एक बहन थी जिसने हाथ में भाई की राखी बांधी और आज वो भाई इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उसके लिए भाई बन करके आया हूँ और आज मैं उसके हाथों से इस कलाई में राखी बांधवाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों वो बहन आए और फिर से मेरे हाथ पर राखी बांधे। उसका एक भाई नहीं है तो अभी दूसरा भाई जिंदा है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ अभी हौसला जिंदा है। लाइए राखी है, आप मेरे हाथ में दिए दोस्तों। अभी कल या परसों की घटना है, एक भाई यहाँ से इस दुनिया को छोड़ के चला गया, लेकिन अभी दोस्तों हौसला जिंदा है, कोई बात नहीं है। आप लोग घबराइए नहीं, अभी मैं हूँ, मैं भी सांपों को बचाता हूँ। जब भी कोई दिक्कत आती है हमको याद कीजिए। भेज लो बोलिए अपना मर्जी से सब देख सुन के छोड़ दे का सारा कोई नहीं है, उन्हीं वही थे सारा हम लोग। बबुआ जी हमारा कोई नहीं के सहारा, हम तो पढ़ते लिखते हैं और घर का काम करते हैं, हमारे सहारा कोई नहीं की। अब घर देखी डर देना अभी हो गई बा, गिट्टी उट्टी सब गिरौलन बना कार्तिक में भाई के बिया कैलन एक दू गो छोटा छोटा हेंगे नीचे पर अभी घर बन रहा प्लास्टर में छत नहीं के भर अब एकदम पानी भर के। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं घर की स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है और एक भाई था कमाने वाला और आज इस दुनिया में वो नहीं रहा। तो दोस्तों घर की स्थिति को आप देख ही रहे हैं। मैं दोस्तों जौनपुर सिटी से, उत्तर प्रदेश के जौनपुर सिटी से एक बार बिहार की सरजमी पे आया हूँ। फिर से आप सभी को प्रणाम करता हूँ, बिहार वासियों को और आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। चलिए इस बहन को और इस माता जी के लिए मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूँ जो हमारे लायक है। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरे प्लेटफार्म पर डाल सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं है, आप बिंदास रहिए। तो दोस्तों ये माताजी हैं, इनके घर में वही कमाने वाले थे और आज कोई है नहीं। मैं यूपी से चल करके दोस्तों आया हूँ इनकी मदद के लिए। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों जैसे एक शख्स था जब वो दूसरे के काम आता था, तो थोड़े से आप लोग भी अगर आप चाहेंगे तो इनकी और भी मदद हो सकती है। तो दोस्तों ये रहा इनकी छोटी सी एक मदद करने के लिए। अब मैं हूँ ना, आप कहें आप टेंशन लिए हो, अब मैं तो आपका भाई हूँ। बहन सन खातिर जान दे देते लो भाई, कत से कुछ कह दी से कहते कहते जुमा देते लो भाई। तो दोस्तों मात्र ये 51,000 रुपया है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती इंसान के लिए, लेकिन हो सकता है दोस्तों इस छोटे से परिवार के लिए थोड़ा सा गुजर बसर तो हो ही सकता है। ये आप माता जी। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ सांपों को बचाने का मैं भी काम करता हूँ दोस्तों, मैं भी फ्री आपका सेवा देता हूँ दूर दूर तक जा करके। तो मेरे पास भी माँ है और मेरे पास भी बहन है, ये तो मुझे पता है अच्छी तरीके से, लेकिन दोस्तों जो अपना होता है उसे पता चलता है। मैं इतनी दूर से यहाँ पर चल के आया। तो दोस्तों आप वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अगर दिल करे तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों आप हर प्लेटफार्म पर डालिए और थोड़ी सी जागरूकता फैलाइए कि सांपों से थोड़ा बचा जाए और उसे कैसे सेफ
किया जाए। दोस्तों जब भी कोई खतरनाक सांप काटता है तो आप सीधा हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर स्नेक एंटीवेनम इंजेक्शन रहता है, वही इंजेक्ट होता है शरीर में, तब जाकर के हमारे आपके प्राण बचते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों से अपील ये करना चाहता हूँ दोस्तों, मुरली वाले हौसला यूट्यूब चैनल के साथ साथ दोस्तों मुरली वाले हौसला फाउंडेशन चलता है और ये परिवार दोस्तों बेहद गरीब है, तो उसी के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ दोस्तों इस हमारी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कीजिए, जिससे ऐसी तरीके से मैं गरीब परिवारों की हेल्प करता रहूँ। बड़ा दर्द होता है दोस्तों, एक छोटी सी ज़िंदगी है 4 दिन की और पता नहीं कब ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए और आप लोगों से अलविदा कहना पड़े। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों ज़रूर आप लोग इनकी मदद करने के लिए एक एक कदम को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों मुझे पता है बहुत से सारे लोग वीडियो को बनाते हैं, यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, उसी के साथ साथ दोस्तों एक ये भी निवेदन है, आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। लेकिन दोस्तों जैसे सांपों को बचाया जाता है फ्री ऑफ कास्ट, लेकिन जिस दिन सांप काट लेता है तो दोस्तों उस समय कौन अपना है उसी दिन पता चलता है। एक शख्स एक दूसरे के लिए होकर के दूर दूर तक जाता था और आज घर में 2-3 बहनें हैं और एक भाई भी है छोटा, घर की स्थिति दोस्तों अच्छी तरीके से है नहीं, कहना कुछ नहीं है। अब दोस्तों ये माँ है, अब आप समझ सकते हैं मेरे पास भी माँ है और कल जब मैं नहीं रहूँगा इस दुनिया में तो जो भी कुछ है आप लोगों की मोहब्बत काम आएगी। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ इनकी मदद के लिए दोस्तों हमारी टीम को कंट्रीब्यूट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को आप किसी भी प्लेटफार्म पर डाल सकते हैं, कोई कॉपीराइट आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों मनमोहन कहीं भी सुनते थे सांप निकला है तो अपना भोजन अपना चैन नींद अपने माँ परिवार को घर परिवार को छोड़ करके वहाँ दौड़ करके जाते हैं, उसी तरीके से मैं भी दौड़ता हूँ। लेकिन दोस्तों आज तो वो नहीं है, अब दौड़ेगा कौन? तो मैं ये चाहता हूँ जैसे वो दौड़ते थे वैसे आप भी एक कदम बढ़ाएंगे तो आज ये परिवार थोड़ा सा मजबूत होगा, रहन सहन इनके अच्छे हो जाएंगे। एक माँ है दोस्तों, उस शख्स के पास दोस्तों न तो माँ के पास इन बच्चों के पास पिताजी हैं और न तो बड़ा भाई है कोई कमाने वाला। तो इस वीडियो को लेकर के बहुत सारा कमेंट आया हमारे व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर दोस्तों कमेंट आया, सर इस वीडियो पर आप एक वीडियो बनाइए, ये कैसे क्या हुआ, एक वीडियो बनाइए एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मेरा भी दिल है और सुनने के बाद दोस्तों वीडियो न बना करके मैं सीधा घर पर आ गया और माता जी के साथ जो भी कुछ था मैंने मैनेज किया। चलते दोस्तों अब यहाँ से मैं इस सरजमी को धीरे से छोड़ करके कहीं आगे चलता हूँ, लेकिन उससे पहले माताजी के चरणों से और इस बहने को चरणों से मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। चलिए माताजी आशीर्वाद दीजिए हमको। ठीक ठीक ठीक। दोस्तों जैसा कि मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ चलते चलते, कि सांप के काटने से पहले इस वीडियो को वायरल करके दूर दूर तक भेज करके एक चीज़ आप ये चेक कीजिए कि सांप अगर काटता है तो एंटी वेनम अवेलेबल कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर अवेलेबल है या फिर ब्लॉक स्तर पर। दोस्तों जब इनको यहाँ पर सांप काटा तो ये जब हॉस्पिटल पे गए तो वहाँ शायद एंटी वेनम अवेलेबल नहीं था जिससे उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ की सरकार से मैं एक अपील करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि एंटी वेनम जो है स्नेक एंटी वेनम वो ब्लॉक स्तरीय तक होना चाहिए जिससे दोस्तों इस समस्या से निजात मिले। दोस्तों आए दिन चारों तरफ बारिश हो रही, बारिश के महीने में सांपों का निकलना लाजमी है क्योंकि जब दोस्तों हर जगह बिल होल में पानी जाता है तो सांप वहाँ से निकल करके ऊंचे स्थान पे हमारे आपके घरों में प्रवेश करते हैं और ऐसे में ये हादसा ज़्यादा से ज़्यादा देखने को हमें आपको मिलता है। दोस्तों सांप के काटने से पहले ही आप पता कर लीजिए कि एंटी वेनम है कहाँ पर। कभी दोस्तों गलती से दुर्घटना होती है उसमें हमारा दिमाग होपलेस हो जाता है, बेचैनियाँ सी बढ़ जाती हैं, लोग जागरूक नहीं रहते हैं तो यहाँ वहाँ भागने के चक्कर में थोड़ा बहुत जड़ी बूटी के चक्कर में लेट पास होता है तो जिससे दोस्तों मौत हमारे करीब आ जाती है। दोस्तों किसी विद्वान ने कहा है कि जब भी विषम परिस्थितियां आती हैं एक बार मौत भी अगर आपके सामने आ गई और अगर आपके पास हौसला है धैर्य है सहनशील है तो मौत आपके बगल से गुजर जाएगी। लेकिन दोस्तों हम ये चाहते हैं कहीं भी ओवर कॉन्फिडेंस ना होने पाए, वो चाहे मुझसे वो चाहे मेरे किसी अपने से ही। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों मैं यहाँ से चलता हूँ लेकिन चलते चलते मैं माता जी से, हाँ आप हमसे राखी बनवाए जिंदगी भर साथ देंगे? एकदम बिल्कुल, काहे नहीं देंगे, जब मर्जी कहे माता जी। मैंने कहा आप फ़ोन कीजिएगा, कोई दिक्कत आती है जैसी भी दिक्कत हो हमको एक बार फ़ोन कीजिएगा। ठीक है ठीक ठीक है ना सर, आप तो पढ़े लिखे हैं। तो दोस्तों अभी ने बहना ने कहा कि क्या आप मेरा ज़िंदगी भर साथ दोगे? दोस्तों जब तक ज़िंदगी रही तभी तक तो साथ है और तब तक मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना? ठीक, चलिए सर।